सिक्स्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका संस्कृत का टर्न है, तो निकालिए अपनी संस्कृत की बुक संस्कृत सोपान और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 5। 15 पेज पर बच्चों आपका पार्ट नंबर 5 है सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब अच्छी बातें, अच्छे वचन जो लोग कहकर गए हैं और हमें उनका पालन करना चाहिए। तो पढ़ते हैं बच्चों, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम तपम, अहिंसा परम कर्म है, अहिंसा परम सुखम। तो अहिंसा ही परम धर्म है जो सभी धर्मों से ऊपर है, अहिंसा ही परम तप है यानी सबसे ज्यादा जो पुण्य मिलता है अहिंसा से ही मिलता है। अहिंसा परम कर्म, अहिंसा जो सबसे बड़ा सबसे महान काम है वो अहिंसा ही है, और अहिंसा ही परम सुखम है, अहिंसा से ही परम सुख की प्राप्ति हमें होती है। अहिंसा मतलब शांति प्रिय यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है प्रिय वाक्य प्रदानीन सर्व तुष्यंती जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यानी प्रिय वचन बोलने से यानी अच्छे शब्द बोलने से दूसरों को जो सुख प्रदान करते हैं, ऐसे वचन अगर हम बोलते हैं तो सभी जो जीव जंतु हैं वो सुख की प्राप्ति करते हैं, सभी जीव जंतु उससे खुश होते हैं। तो ऐसे वचन बोलने में हमें कभी भी कमी नहीं करनी चाहिए, कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है श्रोत श्रुतनैव न कुंडलेन दानेन पाणिन तु कणकेन। यानी कि जो सुनने की खूबसूरती है तो सुंदरता मतलब शास्त्रों को सुनने से है। जो कान चीज सुनते हैं वो कानों को तभी सुख प्रदान करती है जब हम शास्त्रों को सुनते हैं, ना कि कानों की सुंदरता कुंडल पहनने से है। इसी तरीके से हाथों की जो सुंदरता है वो दान देने से है, ना कि कंगन पहनने से है। विभाति काया करुणा परायाम परोपकार है न तू चंदनीन। इसी तरीके से जो हमारी काया है, जो शरीर है हमारा, उसकी सुंदरता करुणा, दूसरों पर करुणा दिखाने के लिए और दूसरों पर परोपकार करने में है, ना कि अपनी काया पर चंदन लगाने से उसकी सुंदरता बढ़ती है या उसकी जो शोभा है वो बढ़ती है। जो हमारा शरीर है उसकी शोभा तभी बढ़ती है जब हम दूसरों पर परोपकार करते हैं या दूसरों को करुणा दिखाते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत मदे मेदत ज्ञानाय दानाय च राक्षणाय। तो इसमें कहा गया है कि जो बुरे लोग हैं उनका जो ज्ञान है वो दूसरों को घमंड दिखाने के काम आता है, और उनकी जो शक्ति है उनका जो बल है वो दूसरों को परेशान करने के काम आता है। जबकि इसके विपरीत, इससे उल्टा जो साधु लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनका जो ज्ञान है और उनका जो दान है वो दूसरों की रक्षा के काम आता है। नेक्स्ट है पाप निवार्यति योज्यते हिताय गुहयम निगुहति गुणान प्रकटी करोति आपद गतम चन जाहति ददाति काले सन्मित्र लक्ष्मणमिदम प्रवदंती संतः। यानी कि जो मित्र हमें पापों से दूर करके अच्छे की ओर लेकर जाता है, हमारे अवगुणों को छिपाकर हमारे गुण प्रकट करता है, उन्हें उभारता है, आपदा के समय हमारा साथ छोड़ने के बजाय हमारा साथ देता है, हमारे साथ खड़ा रहता है, अच्छे लोगों ने, महान लोगों ने सच्चे मित्र के यही गुण बताए हैं। लास्ट है बच्चों मातृवत परदारेशु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यन्ति स पंडितः। यानी कि जो दूसरों की स्त्रियों को माता समान समझते हैं, जो दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझते हैं, सभी लोगों को अपने जैसा समझते हैं, कोई भेद नहीं करते, ऐसे ही लोग पंडित कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है और ये लर्न करना है बच्चों। नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 6 ये आप लर्न करेंगे और कॉपी में इन्हें लिखेंगे, फिर इनका भावार्थ लिखेंगे। पहले एक लिखेंगे फिर उसका भावार्थ लिखेंगे। ये आपको वर्क करना है। केवल जो टिक करे हुए हैं बच्चों
1, 3 और 6C। और बच्चों इसकी एक्सरसाइज ये रिक्त स्थान आप अपने आप पूर्ति करेंगे पीछे से, ये इन अच्छे वचनों का ही पीछे से देखकर लिखना है। फिर प्रश्न उत्तर आप अपनी नोटबुक में भी करेंगे, बुक में भी करेंगे। निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करो, ये आप अपने इनसे वाक्य बनाएंगे, ये चैप्टर के ही आपके वर्ड्स हैं। चरंती मतलब चढ़ना, ज्ञानाय मतलब ज्ञान के लिए, विद्यते मतलब विद्या के लिए, अपूर्व मतलब अनोखा। तो इनके आप अपने आप छोटे से सेंटेंसेस बनाएंगे। घ आपको नहीं करना है, डे है, इन निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आप लिखेंगे, आपको सेंड कर दिया जाएगा। और जो निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, ये आप चैप्टर से देखकर अपने आप करेंगे। कॉपी में आपको केवल बच्चों वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स ही करने हैं, और उस वर्ड मीनिंग से पहले जो श्लोक है आपके, ये जो वचन दिए हुए हैं उन्हें लिखना है और उनका भावार्थ लिखना है। ये आपका नोटबुक का वर्क है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।